عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لناواك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم يسرون جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاصبروا على الله لعلكم. قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم بئس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم ومن جهلين. فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. हमने लूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कौम से कहा कि मेरे कौम तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो क्योंकि इसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है और मैं डरता हूँ कि तुम्हारे पर कोई बड़ा दिन ना आ जाए, बड़े दिन की अदा से डरता हूँ। उस कौम के सरदारों ने कहा हम तो तुमको एक सही गुमराही में समझते हैं। लूह ने कहा है मेरे कौम ये कोई गुमराही नहीं बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का आखिर मैं उसके पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा आखिर फैसला हूँ क्योंकि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तुम्हें इस बात का ताजी हुआ कि हमारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आसानी आ गई एक ऐसे आदमी पर जो तुम्हें से है ताकि तुम्हें डराए ताकि तुम्हें आगाह करे और ताकि उस पर रहम किया जाए। लेकिन उन्होंने उसको जिता दिया फिर हमने उसको बचा दिया और उसके साथ जो लोग थे उनको भी एक कश्ती में बचा दिया और जो हमारी आयात की सिलसिला रहे थे उन सबको हमने घर प्रयास कर दिया। यकीन वो लोग अंधे हो गए और हमने आपकी तरफ दूर से भेजा। इसने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है क्या तुम्हें इसका खौफ नहीं आता। उसकी कौम से कुफार ने कहा जो सरदार थे हम तो ये समझते हैं कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। ने कहा मेरे कौम ये तो बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का काशिफ हूँ उसके पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक गमखार हूँ और अमानतदार हूँ। तो क्या तुम्हें इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की आसानी आ गई एक ऐसे इंसान पर जो तुम्हें से है इसलिए कि तुम्हें डराए। याद करो कि खुदा ने तुम जो नूह के कौम के बाद दुनिया में किया और तुम्हें सलाहियतों के एतबार से ज्यादा किया तुम अल्लाह के सिर्फ में याद रखो ताकि तुम सलाह पाओ कामयाबी पाओ। कौम ने कहा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो ताकि हम महज अल्लाह की इबादत करते रहें और जो हमारे अल्लाह के अलावा दूसरे हैं हमारे आबाओ अजदाद जो कुछ करते रहे हैं उन सब के ऊपर हम हर से गलत फेर दें तो तुम जो हमें डराते हो वो अजाब हमारे सामने ले आओ या तुम सीखे हो। ऊद ने कहा वो तो तुम्हारे पर आ चुका तुम्हारे रब की ना पर नाराजगी और तंदीली जो तुम पर आ चुकी क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में लड़ते हो जो तुमने खुद रखी है या तुम्हारे आबा अजदाद ने रखी है और जिसकी कोई दलील खुदा की तरफ से नहीं आई है। तुम इंतजार करते हो और तुमसे पहले मैं इंतजार करता हूँ अजाब का। फिर हमने उसको बचा दिया और उसके साथियों को बचा दिया अपनी रहमत से और हमने उन लोगों की जड़ ही काट दी जो हमारी आयतों का इनकार कर रहे थे और किसी हाल में ईमान लाने का तैयार है। लकद अरसलना नूहा इला कौमिही हमने नूह को उसके कौम की तरफ भेजा। इसलिए आयात जो रसिया चल रहा है जो मिसाल जो तरह की आते
में गया उसके दस में लापरवाह का समय था कि जमीन को हमने एक सवार कर तुम्हारे हाथ में सौंपा। जमीन अल्लाह के कानून की दाद करती और अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, और जब कभी अल्लाह की बनाए हुए असूलों की हटेगी तो उसमें फसाद फैल जाए। फसाद इस्लाम के इस्लाम में नाम है अल्लाह की नाफरमानी का इस्लाम की तरफ फसाद नाम। अमन इस्लाम जहाँ नाम है इस बात का कि अल्लाह का कहना की बात की जाए, और जिहाद नाम है इस बात का कि जिंदगी को उस अमन के लिए तैयार किया। ये मन के लिए इसलिए कहा कि आज ही मैंने कौमी राजी मांगा काफी साहब का खत पढ़ा जिसमें मैंने फरमाया है, मैं अपने समय पर फरमाया कि अमन जो है वो तो इस्लाम का उसूल है और जिहाद जो है वो सिर्फ इजाजत है। जिहाद इजाजत है और अमन उसूल है। इसी हिसाब से मैंने कसरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए लिखा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमन से मुराद है इस्लाम। इस्लाम इस्लाम अमन कहता है इस्लाम से या तो शुरू से लाओ भी बात है इस्लाम। यहाँ इस्लाम के अलावा कोई भी निजाम है या तो कुरान उसको फसाद करता है, जिंदगी का फसाद है। हम नाम है इस्लाम का, यकीन इस्लाम कैसे यही भी उन्होंने इस्लाम आना चाहिए। हम यकीन इस्लाम कैसे, लेकिन हम से मुराद कुरान हमेशा इस्लाम लेता है। ये वाला फसाद नहीं कि सिर्फ वाला फसाद ऐसे सूरत है, ये फसाद नहीं है इस्लाम के कुरान के अहम फसादों को फसाद नहीं कहते हैं। फसाद नाम है अल्लाह की इजाज़त से समाज के मुनहरिफ हो जाने का, और इस्लाह नाम है समाज का एक बार फिर अल्लाह की इजाज़त करने का। कायनात अल्लाह की बात करती है, जमीन जान सारे सूरज सब अल्लाह का कहना मानते हैं। ये वो इस्लाह है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है। अब जो कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा उसूल चलाता है जो अल्लाह के कानून से अलग है तो वो फसाद फैलाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जमीन में फसाद मत फैलाओ, क्योंकि खुदा ने उसको इस्लाह के साथ पैदा किया है। और अम्बिया इकराम इसलिए आते हैं ताकि जो फसाद दुनिया में फैलाए गए हैं उनको एक बार खत्म करके और इस्लाह को दुनिया में यही अल्लाह के अहकाम की बात दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देखते नहीं कि पूरी कायनात में आसमान के अंदर उठा कर देखो कि हुजूम है मुसफरात और अम्र जो अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं उन कवानीन के मुताबिक तुम्हारी गर्दिश कर रहे हैं। जमीन में तुम देखो कि जमीन में बादल उठते हैं, बादल उठने के बाद मुर्दा जमीनों पर बरसते हैं और मुर्दा जमीनों से कहीं झाड़ झंझार छूट उठते हैं, कहीं जो है गुले गुलजार की जाते हैं। ये जमीन की सलाहियत के ऊपर मुनहसर होता है। जमीन में अगर सलाहियत होती है तो वही बारिश फूल उगाती है और वही बारिश झाड़ झंझार उगाती है। बारिश सबके लिए इच्छा होती है, बारिश रहमत है। हिदायत की जो बारिशें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं जमीन के ऊपर, कहीं बरगोबार लाती हैं वो, कहीं घर संसार पैदा करती है, कहीं मुखालिफिन खड़े होते हैं, कहीं हक परस्त खड़े होते हैं। और इस तरह से आदिवासी को बादल का एक मैदान बनता है दुनिया में। एक हक के लोग होते हैं जो अल्लाह की रहमत को अपना लेते हैं और उसके मुताबिक माहौल की तामीर करने की कोशिश करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो घर संसार होते हैं जो उसी बारिश के नतीजे में पैदा होते हैं और वो फकीरा चार रहते हैं। ये बात यहाँ पर खत्म की थी जिसके रुकू में अल्लाह तारा ने कई मिसाल दी। वो लगी उसको रिया मेरी रहमत ही अल्लाह ताला ही है जो हवाओं को भेजता है अपनी रहमत के आगे आगे तर्जुमान बनाकर। हत्ता इजा अकल सहाबन सुकालन माहौल वाले की मिली थी, यहाँ तक कि बादल जब भर जाते हैं बूंदों से हम उसे हाथ देते हैं इन बादलों को किसी मुद्दा जमीन की तरफ, यानी हमारी रहमत किसी मुद्दा जमीन को सफल करने के लिए चली जाती है। पानी बरसाते हैं काखज नादी में जिले सम्राट वो बारिश तरह तरह के फल हो जाती है। गजार के नसल दिन मौका और यूं ही हम मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे जैसे कि दुनिया में नजारा देखते रहते हैं। बलबला तो सही मुझे से जो नवादू जो रबी फिर होता है बस बारिश के नतीजे में जो सारे सर जमीन है वो फल उगाती है फूल उगाती है। वह लगी खबूसा लायक है जिला नशीदा और जो जमीन खराब होती है वो कुछ नहीं उगाती खास इंसान के अलावा। हालांकि वही बारिश है लेकिन वो नतीजा है कि झार झंकार से जमीन जमीन खराब है जमीन अच्छी नहीं है। जगार के नशा बिल्कुल आयात हम समझाने के लिए अपनी बातों को इस तरह से फेर कर बयान करते हैं, उलट उलट कर बयान करते हैं। इस बात की बड़ी वजाहत के लिए अल्लाह तबारक तआला यहाँ से अब इस आगे जैसे आपको बातों को बयान फरमा रहा है। आगे की बहुत से रुकू के अंदर अंबिया इकराम की दास्तानें हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत काले अलैहिस्सलाम है, आगे से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा से और की ये पूरा एक आगे तक कई रुकू में चलता चला जाएगा। तो उस बात को समझाने के लिए कि एक ही बारिश हिदायत के नतीजे में पैगम्बर भी आए हैं जिन्हें हिदायतें दुनिया से दी, किसने उनके पैगाम को माना है, किसने उनको रद्द कर दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे समाज ने अल्लाह की हिदायत के आगे सर झुका दिया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में शैतान का दबदबा खा गया हो
और अल्लाह की तरफ बात करने वाला कोई नहीं है। हम हमेशा सजीदा जा रहा है, हमेशा जिंदा जिंदा जाविदा रहा है, बाकी लिखे हमेशा अल्लाह की करता रहा है। लेकिन अंजाम क्या हुआ है, बयान चार फसल याद कौन हुआ है, इस लड़ाई के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है, वो सारे जैसा अल्लाह तबा तआला ने लोगों के अंदर बयान करवा रहा है। सबसे पहले रसूल अलैहिस्सलाम लफ्ज़ असल नूहन इला कौम, हमने नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा, उसकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने अपने कौम को पैगाम दिया गया है, मेरी कौम अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं है। इलाह का माना मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ, इलाह के माना माबूद के लिए आते हैं, या माबूद का माबूद से भी माबूद के माना भी अगर आप कर ले तो कम से कम सजदा जिसके आगे किया जाए, पूजा जिसकी की जाए, ये नहीं है इलाह के माना। इलाह होता है वो जात जो आपकी सारी उम्मीदों का सचेरा हो। इलाह आपका हाकिम मालिक आका, इसको अरबी में इलाह कहा जाता है। इसके अलावा तुम्हारा कोई हाकिम, कोई मालिक, कोई आका नहीं है तुम्हारा अल्लाह के अलावा। ये अगर तुम्हारे इस्लाम में पैगाम है, तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की बात की अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें हमारे लिए क्या सोचने के अंदर निकलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्यों तस्करा फरमाया, हम सब जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जो है दुनिया की जो तस्वीर अब मौजूदा तस्वीर हम सब की तरफ भेजिए थे नूह अलैहिस्सलाम, यूँ तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटे हैं सारे के सारे, आदम और हव्वा की औलाद, लेकिन आदम और हव्वा का खानदान पूरा का पूरा आप जानते हैं खत्म हो गया था। एक सैलाब आया, सैलाब के नतीजे में पूरी दुनिया जमीन का जिंदगी का नामो निशान मिट गया, उसके बाद जिंदगी की असरगत आने हुई है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम निशानी कहा जाता है, और वो सारे इंसानों के बाप कहे जाते हैं नूह अलैहिस्सलाम। और नूह गोया मौजूदा इंसान में से अबुल आबा है, सबसे पहले इंसान है, इसलिए वो इस बात के मुस्तैद है कि इस कहानी को वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ से गुमराही और जलालत फैलना पहली बार की थी। नूह अलैहिस्सलाम से पहले तो एक तौहीद का माहौल था, और उसके बाद कौन गुमराह हुई नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आकर पहली बार सबसे फिक्र अभी अपनाया, फिर वो फना कर दी गई, फिर जिंदगी और फैलना शुरू हुई है। तो उस वाक़े को नूह अलैहिस्सलाम से कहानी को शुरू किया जा रहा है। एक अजीब इतिहास ये है कि जिस मुल्क में रहते हैं या जिस मुल्क में चाहे हिंदुस्तान क्या बल्कि मिस्र में और ईरान में भी जो तूफान नूह की कहानियाँ मशहूर हैं, जो जबरदस्त आलमगीर तूफान पानी का आया है, ये सारे ममालिक के अंदर पाई जाती है। ये पूरी जो चैन है मिस्र में और ईरान में और हर जगह हिंदुस्तान में, और फिर वही किस्सा जो कुरान करीम बयान फरमाता है, वही इस सबके यहाँ मजहबी दास्तान में पाया जाता है। वही किस्सा यही हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी शख्सियत है हिंदू जिसको ये काबिल इहतराम मानते हैं, ये मानू है, इसको ये मनु कहते हैं, या मनु का जो शास्त्र चलाते हैं, ये मनुष्य की इनका कानून है, मनु या इसमें महानु है, महानु ये किताब आई है फ्रांस का इसमें लिखने वाला है हिंदू मैनस किताब चला है, बहुत जखीम किताब है पूरी। उसने 40 साल तक हिंदू मजहब की रिसर्च करने के बाद खराब की ट्यूबाइन उसका नाम है फ्रांसिस मुसन्निफ का, उसने किताब लिखी है। तो उसने तहकीक के बाद उसने लिखा है कि तमाम जो वेद है, उनके जो पुराण है, जो भागवत है, तहकीक के बाद उसने लिखा है कि हिंदुओं की जो सबसे मुकदस शख्सियत है वो महानु है। ये दो अल्फाज में मरकब है, महा यानी अजीम, महा माना अजीम कहते हैं, और नू जो है नाम है जो नू वाले प्राण कहते हैं, उसी को वेद मनु कहते हैं। ये महानू के बारे में तमाम कहानियां वेदों में यही है कि जल पहले आया, पूरी दुनिया में एक पानी का तूफान आया, फिर एक कश्ती में महानू अपने सात रस्सियों को लेकर सवार हो गया, और सात रस्सियों को लेकर उस कश्ती को खुद युष्ण चला रहा था, वो कश्ती युष्ण चला रहा था, फिर वो कश्ती जाकर रुक गई, और रुकने के बाद जो अयोध्या कश्ती थी उसी के बाद कश्ती। ये कहानी आपको पुराना मिल जाएगी, ये आपको भागवत के अंदर मिल जाएगी, और इसी कहानी को उसने भी लिखा है हिंदू मेहनत एंड कस्टम, किताब का नाम मुझे याद आया, हिंदू मेहनत एंड कस्टम। इसके अंदर उसने किताब के लिए 48 के ऊपर 48 के रूप में पूरी तस्वीर की बात होती है कि हिंदुओं की जो अकाइद है उनके रूप से महानु जो है इसका ऋषि है, कलयुग जो इनका शुरू होता है वो महानु से शुरू होता है, कलयुग की मौजूदा जमाना है, और इसलिए ये अपना जो सन बनाते हैं और अपनी जितनी भी तारीखी वाकियात के लिए, जैसे हमारा सन हिजरी है या ईसाइयों का सन ईसाई है ईसवी है, वैसे हिंदुओं का सन जो है ये शुरू होता है जल के लेके बीच से शुरुआत होती है, वही से शुरू होती है मनु की पैदाइश से जो शुरू करते हैं। मनु आदम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं हिंदू, मनु आदम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं, हम भी आदम सानी कहते हैं हिंदू अलैहिस्सलाम को,
आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को मनु कहते हैं, वो सारी वाकियात कहते हैं कि आदम यानी मनु के जो है बाईं पसली से जो है पैदा हुई है, रूपा जो है रूपा जो है बाईं पसली से पैदा हुई है मनु की, जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि हव्वा अलैहिस्सलाम जो है ये बाईं पसली से पैदा हुई है, तो वो जहाँ रिवायत कागवत में मौजूद है। इसका मतलब ये कि ये कन्फ्यूज है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने मनु कहा है, और उसके बाद जो दीगर हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि जिसको हम नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं उन्हीं को ये मनु कहते हैं, ये हिंदू हजरात कौन से ऐसी पढ़ाई जो हमें मिलते हैं, मशहूर जो ऑस्ट्रेलियन है विद्यार्थी किताब है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन उसने लिखा है कि हिंदुस्तान में जो आर्य आए ये मुवाहिद थे, ये एक अल्लाह का पैगाम देते हुए आए थे और इनको यहाँ फादर मनु लेकर के आए, फादर मनु आर्यों को यहाँ लेकर के आए भारत में, और ये मुवाहिद लोग थे, ये मूर्ति पूजा के कायल नहीं थे, पूजा मूर्ति नहीं होगी इंडिया का, उसके लिए किताबें भी मुस्लिम प्रॉब्लम के अंदर ही बात लिखी है कि मुवाहिद और कुरान करीम के अल्फाज में भी इशारा मौजूद है। कुरान करीम जो है हिदायत को तकसीम करता है नूह अलैहिस्सलाम की कौम में और इसराइल और हमल्लाइल, हमने दो 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 कौमों की तरफ हिदायत भेजी है, वो लोग की नूह के साथ किसी पर सवार हुए वो हिदायत लेकर के आए, इब्राहिम याकूब की जो मिलत है उसमें आए हिदायत लेकर। ये दुनिया के तीन बड़े मजाहिब हैं यानी यहूदियत ईसाईयत और इस्लाम, ये दोनों की जाहिर जरियत इब्राहिम इसराइल है, और नूह अलैहि सलाम की जो जरियत है ये बिल्कुल अलग है, और जदीद जो नस्ल की नस्ली जो तहकीकत है उसकी रूप काफ़ी असल है जैसे कुरान करीम कहता है, यानी दुनिया में नस्लें दो की होती हैं, नॉन सेमेटिक रेसिस होती हैं और एक सेमेटिक रेसिस होती हैं, तो इसमें जो इसराइली कौमें हैं ये इसराइली कौमें इब्राहिम इस्लाम की जनस है, ये सेमेटिक रेसिस में आती है, और ये आर्यन नस्ल जो है ये नॉन सेमेटिक में आती है जो कौमें में भी हो सकती है और दूसरी चीज में हो सकती है। तो कौम नूह जो है दरअसल ये हजरात हैं, कुरान करीम में इनको सादगी कलम किया गया, इसलिए मुझे किसी ने यहाँ किताब दी थी किसी पंडित जी की, ये किताब मुझे स्वागत किसी नौजवान ने दी थी, उससे अंदाला कर रहा था और इससे मराठी दे दी, एक किताब और है पंडित वेद प्रकाश किताब दिया, उन्होंने कुरान करीम के ऊपर एतराज किया, ये कुरान करीम कैसी किताब है जी, ईसाइयों का तस्करा तो कर रहा है और यहूदियों का तस्करा भी कर रहा है, वो तो दुनिया में थोड़े से हैं लेकिन इसे हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ये तो दुनिया में फैले हुए हैं, हिंदुओं का कहीं तस्करा कुरान करीम के अंदर नहीं, आखिर ये कैसा कुरान है, ये कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है कि जिसमें इतनी छोटी कौम का तस्करा जो है क्योंकि वो मदीने में रहती लेकिन भारत से जो दूर था और वहाँ पर इतनी बड़ी कौम रहती थी, विशाल भारत हिंदुओं को कोई तस्करा ऐसे नहीं है कुरान करीम के अंदर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर अल्लाह की किताब है तो उसमें हिंदुओं को तस्करा होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कुरान करीम में हिंदुओं का तस्करा है। इमन अमल्ला मानूह जो है या साबीन जो है ये साफ़ से मौजूद है तस्वीर में जसीर में अब्दुल रहमान जैद से कॉल बकायदा मौजूद है कि साबीन जो कुरान करीम ने कहा है ये एलिन के बारे में कहा है, साबीन ये लबीन अमनू और लबीन हादू और नसारा और साबीन, ये लोग यहूदी हैं जो नसारा हैं और जो साबीन है ये एलिन के बारे में कहा है, और ये कौमी नूह है, साबीन जो है कौमी नूह है, ये तस्वीर की दौड़ने का जगह मिलता है लिखा हुआ है। तो कुरान करीम सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा इसलिए कर रहा है कि जिंदगी की शुरुआत नीचे हुई है हमारे घर ठीक भी, और दुनिया में जितनी भी दास्तानें मशहूर हैं मिस्र में और ईरान में शुरू से भी, और खुद हमारे बदवतन में हिंदुस्तान के अंदर भी चलिए जो शुरू होता है वो नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, नजली की शुरुआत अजल के लय के बाद, अब इन्हें तो अयोध्या क्रिकेट मुझे दिखाई देती है लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो कुरान करीम में जूदी है कि जब कहा रुका था जूदी पर कैसी रुक गई थी, जूदी को अयोध्या समझ बैठे हैं क्या, तो कुरान करीम नूह अलैहिस्सलाम से इसलिए शुरू कर रहा है इस आवेदन से हमको बातिल को, यहाँ से ये बात शुरू होती है तकदीर का पहली बात, अल्लाह के पैगाम है अपने प्रॉफिट से पहली बार लाया गया नूह अलैहिस्सलाम से, हाँ और उसके बाद कौन का अंजाम क्या हुआ, लकत असलानी बहुत अच्छा कुछ लिखा हिंदुओं में या कौमियों के अंदर जो मुमाफत है उन्होंने दिखाई है, और नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ पर आने का जो तस्करा उन्होंने किया है कैसे कैसे इंडिया में वो आए, सारे उन्होंने जो तारीखी वाकत प्रस्तुत किए हैं किस बात के अंदर नूह अलैहिस्सलाम आए हैं,
ऐसा मनु समृद्ध के नाम से उनकी यादगार आज भी है, यानी मनु कश्ती वाला। ये यादगार गुजरात से 12 किलोमीटर दूर है, नारिंदा गाँव से, वहाँ माँ से दूर पर आश्रम है। 244 जोड़ी उनकी यादगार वहाँ बनी हुई है। उन्होंने बड़ी तैंतालीस किलोमीटर की है और हिंदू स्टोरियन के हवाले से इस बात को साबित किया है, सारी चीजें कि वो यहाँ आए हैं हिंदुस्तान तूफान के धमकने के बाद। और ये तो यहाँ पर तौहीद का पैगाम पहुँचाने के लिए आए, वो जिससे भी थे अल्लाह के एक अल्लाह के सलाम के लिए आए। इस बाद में यहाँ ऐसे फैल गया जैसे हमारी मुसलमान कौमों के अंदर फैलता जाता है, फैलते चला जा रहा है, इनमें भी फैल गया। लेकिन यहाँ पर ये तौहीद का पैगाम लेकर के आए। तो लकत असल नूह इलाका और बहुत सी ऐसी पहचानें बताई हैं, और मनु की तालीमत है, जिन की तालीमत है, और मनु का किला भी खाने काबा ही था, और खाने काबा को चला रहा है आदम अलैहिस्सलाम के जमाने। और रिवायत यहाँ पर कहती है काबे को काबा इसलिए कहा जाता है कि काबा उभरा हुआ होता है, और ये सबसे पहले जो है तकलीफ कायनात के सिलसिले में जो उभर करके जिस जगह आई थी यही थी, उसके अर्थ में काबा इसलिए उसे काबा कहा जाता है। ये रिवायत हमसे मिलती है, हमारे हादीस में है ये चीजें। तो काबा गोया कदीम चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर नहीं किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ काबे की बुनियादें उठाई, इसका ध्यान नहीं रखे। काबे की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की है। कल आपने तकरीर में बहुत तकरीर सुनी होगी, उसमें काबे की तामीर का तस्वीर आया होगा। काबे की तामीर नहीं की है, काबे की सिर्फ बुनियादें उठाई। इब्राहिम काबे की बुनियादें उठा रहे थे, बुनियादें बनी बनाई थी, उन्होंने तलाश किया, उस पर दीवारें उठाई। तो काबा पहले से मौजूद है और वो अंबिया किराम का किला भी रहा है और पूरी इंसानी का किला रहा है। तो बताया कि ये हजरात जो है भारत में रहते हैं, उनके सारे मंदिर के पीछे जितने भी हैं किला रुख हैं। इनके पश्चिम रुख कहते हैं लेकिन वो किला रुख हैं, सूरज रुख कहते हैं, सूरज बन के अपना रुख कहते हैं लेकिन दरअसल किला रुख है। और सारे के सारे फिर ये काबे में सात तवाफ किए जाते हैं, उनके यहाँ सात फेरे लिए जाते हैं, जो एहराम पहना जाता है उसी के लोग साड़ी के साथ कहते हैं, जो वहाँ पर सर हल्क कराया जाता है उसी के मुंडन कहते हैं। अकीदान करते हैं, नाम रखते हैं, सर मुनते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं, लेकिन मुंडन कराते हैं, नाम रखते हैं। और इस तरह की सारी चीज़ें, सारी बात की अलामतें हैं कि दर हकीकत चश्मा ही था, चश्मा एक था, लेकिन बाद में मुनहरिफ होकर तरह तरह की गुमराहियाँ फैल गई और कोई ये वो लाइन जो बदली तो बहुत दूर तक गया था, दूर दूरी होती चली गई। तो इन लोगों को पूरा हुआ सबक याद दिलाने की जरूरत। इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हैं जिसमें मेरे जहन पूरी तरह से नहीं है। किसी वक्त आया अगर इस तरह कोई तस्वीर आगे तो मैं तस्वीर से आपको इस मौजूद की तरफ डालूंगा। लकत असल अनोखा इलाका उनकी, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा उसकी कौम की तरह। इससे मैं कह चुका हूँ कि इससे मिराज यही नाम समझ गया थी, यानी यही आर्या यही जो कौमें जो है ये है जो उनकी तरफ हमने भेजा, जो ये हमारे बरादरान वतन की कहानी बयान कर रही है। ये अपने आप को सबसे कदीम कौम कहते हैं और अपने वेदों को ये कहते हैं आदि आदि ग्रंथ, यानी सबसे कदीम खुदा की किताब आदि ग्रंथ कहते हैं। और यही लफ्ज है जो कुरान करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किताब के बारे में इस्तेमाल किया है, वही नऊ लफी जुबरी अवली, यानी आदि ग्रंथ, कदीम तरीन खुदा की किताब, कदीम तरीन कौम ये अपना कहते हैं, कदीम तरीन कौम कौम नूही जितनी भी कौमें हैं। तो इस बात के वादे क्राइम है कि ये अपने इन्हीं से खिताब हो रहा है बिरादरान बड़ी अहमियत। लकद अरसलना नूहन इला कौमी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, उनको हमने भेजा, उन्होंने कौम से कहा या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम सिर्फ एक अल्लाह को अपना इलाह समझो, अपने हाकिम, अपना मौला और अपना आका, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा कोई आका के हाकिम नहीं है, उसी के बताए हुए निजाम हयात के मुताबिक जिंदगी बसर करो। एक बड़ी गलत फहमी है जो आदमी कर लें, ये भी समझते हैं कि कुरान करीम जो है एक मुकम्मल निजाम हयात, इस्लाम एक मुकम्मल, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेकर के आए तो मुकम्मल निजाम हयात लेकर के आए, दीगर जितने खुदा के पैगंबर आए हैं वो मुकम्मल निजाम हयात लेकर के नहीं आए। इस्लाम एक मुकम्मल जाम निजाम हयात एक जाम शरीयत है, और इससे पहले खुदा के जितने भी पैगंबर आए हैं वो नाफिस शरीयत लेकर के आए हैं, वो मुकम्मल नहीं। ये मुसलमानों ने गलतफहमी फैली हुई है, ये गलतफहमी है। खुदा का हर पैगंबर मुकम्मल निजाम लेकर के आया है और मुकम्मल शरीयत लेकर आया है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। हर कौम की यही दावत, हर पैगंबर की यही दावत रही है कि खुदा के सिवा कोई इलाह नहीं, मालिक अल्लाह है। हर एक का निजाम मुकम्मल था, हर एक की शरीयत मुकम्मल थी और जिंदगी के सारे पहलुओं को तस्कर थी। मजहब और मैं और गैर मजहब में जिंदगी की तकसीम कहीं कभी नहीं की गई, जिंदगी को कुछ हिस्सा तो अल्लाह को दे दो और कुछ दूसरे को दे दो, क्योंकि पैगम्बर ने इस बात की इजाजत नहीं, मालिक अल्लाह है। फर्क ये हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं तो तमद्दुन के दौरे कामिल में आए,
यानी उस वक्त आए हैं जबकि जिंदगी मुकम्मल हो गई, जिंदगी हर पहलू पर एक निज़ाम बन चुकी है, हर चीज निज़ाम में आ गई है। और पहले साधन जिंदगी की इंसान की बस स्वीकार कर लिया, हालिया फंसा करके इकट्ठे हो गए, जिसमें आया तो हम लगा लिया मकाम लगा लिया, इतनी साधन जिंदगी थी, तमद्दुन मुकम्मल नहीं था। लेकिन जितना तमद्दुन था उसके लिए सैयद मुकम्मल आए। ऐसा नहीं है कि इंसान की रहनुमाई के लिए कहीं और जाना पड़ा हो, और पैगम्बरों के यहाँ दस इस्लाम जिन्हें हजूर अबू के साथ जामे निज़ाम लेकर के आए हैं और बाकी और सब नाफिल निज़ाम लेकर के आए थे, ये बात भी गलत है। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, हर पैगम्बर की दावत यही रही है, खुदा के अलावा तुम्हारा कोई हाकिम कोई आका नहीं है, हर रहनुमाई उसी से लेना है। फर्क सिर्फ ये हुआ कि हजूर अबू के साथ तस्लीम आए दौर एम के अंदर, उस वक्त जब तमद्दुन पेश दरपेश होकर के मुकम्मल हो चुका था, हर चीज इकतसादियात आसियात सियासियात फौजी शोबे हुकूमत बकायदा एक मुनक्कर निज़ाम बन चुका था। कबायली सिस्टम नहीं था, खानदानी जैसे पहले बस चार सरबस गए कबायली सिस्टम है, ऐसा नहीं था। बकायदा शहर आबाद हो गए थे, मुल्क बन गए थे, हुकूमतें वजूद में आ गई। इस वक्त आप सब चीज लाए हैं, एक सियासत मुकम्मल जिंदगी को मुकम्मल कब्जा कर चुकी थी, इसलिए इस्लाम उस दौर में आया कि जाहिर जैसे मुकम्मल रहनुमाई थी। लेकिन अपने अपने दौर में हर दिन मुकम्मल था, नाकिस कोई भी नहीं, कभी भी नाकिस। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे कौम, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हाकिम आका नहीं है, मालकुम इल्लाह इन गैर। और नूह अलैहिस्सलाम ने जो दीगर हिदायत दी है ना, सूरह नूह है, सूरह तीस में, साफ अंदाजा लगता है कि इन लोगों ने खुदा की उलूहियत के माने ये समझे थे, खुदा को मानने के, खुदा की आगे इबादत की जाए, वो खुदा की इबादत करते थे। लेकिन जिंदगी के मामला में उन्होंने जो अपने निज़ाम बना रखा था उसके ऊपर चलते थे, ये समझते थे कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि खुदा की तरीके से मुझे दी जाए। नूह अलैहिस्सलाम जब भी कहते थे कि इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तो उनका मतलब यही होता था, वरना अल्लाह को तो वो भी मानते हैं, कभी तो कह रहे हैं कि उसके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, मानते खुदा को वो भी, हाँ खुदा की इबादत भी करते हैं, लेकिन जिंदगी में रहनुमाई दूसरे से भी ले रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, वाले कह रहे हैं उसके सिवा तुम्हारा कोई आशा नहीं है, यूं इलाही मेरी कोई हाथी नहीं है तुम्हारा, इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैं इस बात से डरता हूँ कि एक बड़े दिन का अज़ाब तुम्हारे पर आएगा, आखिरत में नहीं बल्कि यहीं, वो तो यकीनन आएगा, वहाँ तो आएगा। यहाँ पर दुनिया में जो कौमें एक नबी की दावत यहाँ से झुठला देती हैं, दुनिया में उनको तबाह बर्बाद करने वाले आजाब आया करते हैं, वो आजाब यानी आजमी होता है। कौम के लोगों ने कहा, कौम के सरदारों ने, बड़े लोगों ने, दानिशों ने कहा, हमें तो ये लगता है कि आप किसी गलत फहमी में हैं, इन्ना लनरा कफी गलाली मुबीन, आप बात अपने खुदा चाहते हैं, खुदा के नाम की आड़ में आप खुदा के नाम से ले रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में दरअसल आप अपना प्यार चाहते हैं, आपका मकसद ये आप बड़े बन जाए, यूरी तो दफा फिलहाल लेकिन इल्ज़ाम है, ये चाहता है कि हमें सबसे बड़ा बन जाए, यूरी तो दफा फिलहाल लेकिन। और साफ तौर से आप नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी आयतें सब कलेक्ट करें तो साफ आपको तसव्वुर मिल जाएगा कि नूह अलैहिस्सलाम दरअसल वक्त के उन खुदाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके इशारों पर निज़ाम चल रहा है। नई सी बात नहीं कह रहे हैं कि अरे कौम खुदा की नमाज पढ़ा करो, ये नहीं कह रहे, तो कौम खुदा की नमाज पढ़ रही है, वादे कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम से, देखो मेरे कौम अगर तुमने अल्लाह को मान लिया तो तुम्हारे सशक्त हो जाएंगे, खुदा की राय पर चले, खुदा की तुमने कबूल किया, तमद्दुन की इस्लाह का पहलू पेश कर रहे हैं, मादी मफाद पेश कर रहे हैं। बहुत से आजकल के दीन इस्लाम है जो फरमाते हैं कि दीन को तामीरी तमद्दुन का अनुमान नहीं बनाना चाहिए, दुनिया में तुम्हें ये फायदा होगा, दुनिया में तुम्हें वो फायदा होगा, ये नहीं, बस आखिरत में तुम जहन्नम से बच जाओगे, इतनी ही बात कहनी चाहिए। दीन जो है इंतजार आखिरत का अनुमान है, तामीरी तमद्दुन का नहीं, ये उनकी तकलीफ है, इसका आपको नहीं बताओ, ये दीन आता है इसलिए कि आखिरत से बचाया जाए, दुनिया तक दुनिया बनाई जाए, नूह अलैहिस्सलाम दुनिया बनाने की बात करें, और सारे पैगंबर भी आएंगे आपके सामने, और उसके अलाम कहते हैं कि लादन कुहल मिजाल मीजान, तराजू में डंडी मत मारो, खालिद समाजी बुराई के ऊपर चेक कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खातून फिक्रान मिल आलमीन, लड़कों के पास मत जाओ, अपनी दूसरी ख्वाहिशात ये होमोसेक्सुअलिटी खत्म करो, एक खालिद समाजी बुराई है जिसको चेक कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अर्सिल माना बनी इसराइल, ऐ फिरौन बनी इसराइल को आज़ाद कर दे, तहरीक आज़ादी की शुरुआत कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ खालिद समाजी जिसको बुनियाद बना कर रहे हैं। तो अंबिया किराम ने दावत तो यही बात की है कि हाकिम मुतलक अल्लाह तआला का ताला है, और वक्त के एतबार से मौजू बनाया है उन बर्निंग इंटेलेक्चुअल मौजूआत को,
दिन के ऊपर गाड़ी से खड़ जाए, इन चीजों को बनाया गया आगे। कहीं कोई कह रहा है कि वजन पूरा तोड़ो, कोई कहता है लाता खुदू भी दिल्ली शराब घूमने आएगा, लाता खुदू भी दिल्ली शराब जाके मत डाला करो, ये समझा रहे हैं खाली। आखिर तो जिक्र भी नहीं आ रहा है, जाके मत डालो, कोई कह रहा है कि लड़कों के पास कर जाओ, कोई कहता है वजन पूरा तोड़ो, ये सब समाजी इस्लाह का प्रोग्राम चल रहा है, क्यों चल रहा है? पैगंबर ये बात दुनिया के धंधे में कहा पड़ गए आखिर सुनाते, ये तुम्हें बनाना चाहिए क्यों कर दिए। मतलब ये अंबिया इकराम जो होते हैं वो इंसान करों से ज्यादा इसमें डाले होते हैं, वो जानते हैं किसी जाहिर को आवाम को जिस तरह आवाम के सामने इस तरह से मिसाइल हैं उनको बुनियाद बना करके उनको खराब नहीं किया जाएगा, वो चीज आवाम की दिलों से नहीं किए। और उसी एतबार से भी धीरे धीरे वो फिर आखिरत इंतजार आखिरत भी लाते हैं, ये तो अंबिया इकराम के दौर में और आपके दौर और टेक्नोलॉजी का इल्म है, इधर की तरफ आपकी इतवार से तय की जाएगी, लेकिन मौजूद को किस एतबार से इस्लाम की दावत के लोगों तक पहुँचाया जाए, यही युगों में आज आपके सामने आएगा सारे पैगंबर किस तरह से पेश कर रहे हैं दावत से। किताब आई है उसमें लिखा है सात और नौ है इस्लाम और ईसाइयत एक हिंदू की नफरत है, इस्लाम एंड क्रिश्चियन भी इन व्यू ऑफ ए हिंदू एंड ईसा बना है। तो किताब अभी पांच जनवरी में तस्करा दिया है, उसमें क्यों उसने ये बात लिखी है कि इस्लाम का ये कहना कि तौहीद अल्लाह ही एक है और वही कायनात को चलाता है, वही निजाम को चलाता है, ये इस्लाम की गलत फहमी है और इसी गलत बात की वजह से सारी जिंदगी की ताबीर गलत हो जाती है। हकीकत में इस समाज में भी एक खुदा नहीं है, कायनात में भी बहुत सी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो तुम शक्तियां काम कर रही हैं, एक शक्ति काम नहीं कर रही है, उनके कोऑर्डिनेशन से दुनिया चल रही है। इस्लाम यही से गलती कर देता है कि ये दुनिया पूरी एक खुदा पर चल रही है, जब यहाँ से शुरू होती है एक खुदा तो फिर जगह एकांतवाद को पड़ता है। ये राम स्वरूप ने बात लिखी है, वही बात है बिल्कुल जो इस्लामी कौम वो इस्लाम कह रही है। आप तो गलत फहमी पड़ गए हैं, इंसाफ है आपकी फिक्र में, बात को चेक नहीं समझ नहीं पा रहे हैं आप, सब बस अल्लाह ही अल्लाह है, हर तरफ यहाँ भी वहाँ भी जमीन पे आसमान में भी बबलदी से समय इलाह मिला भी इलाह, आप गलत में हैं, आप अपने चक्कर में हैं, अपने इस्लाह चाहते हैं, अल्लाह का तो नाम खामखा ले रहे हैं आप। काला या कौम ही नहीं सदी गलालतुन, वो इस्लाम ने कहा नहीं है मेरी कौम में कोई फैसला नहीं है, मेरी फिक्र मुनहरिफ नहीं है, वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का कासिद हूँ, उसके पैगाम तुम पहुँचा रहा हूँ, तो बल्ले हुकुम रिसालात रब्बी उसी के पैगाम पहुँचा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी फिक्र कुछ नहीं है इसमें, अनसाहू लकुम और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मेरे अपने अजाइम कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, यही मेरा पैगाम भी है, यही मेरी नसीहत भी है, मेरी खैरख्वाही भी है, यही वो पैगाम भी है जो खुदा ने मुझको दिया है, यही तुम्हारे लिए सारी इंसानियत के लिए मेरी खैरख्वाही भी है, इसी में तुम्हारी निजात है, इसी में इंसानियत की सलाह है, इसी बात को मानने में, इसी नजरिए को मानने में, मैं आलम अल्लाह माला तालमून, क्योंकि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं मुस्तकबिल में झांक लेता हूँ, मैं जानता हूँ इंसान की असल खराबी क्या है, इंसान कहाँ बर्बाद होता है और अजाब और इंसान की तबाही कहाँ छुपी हुई है तुमको नजर नहीं आती, तुम सिर्फ कपड़े देखते हो सफेद चमकते हुए, उसकी पीड़ित गलाजत है वो तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं सब देखता हूँ, आलम अल्लाह माला तालमून, इसी बात में समझा रहा हूँ, बल्ले हुकुम रिसाला जवाब भी, मैं अपने रब के पैगाम तुम तक पहुंचाता हूँ, वहां साहू लकुम तुम्हारी खैरखाई कर रहा हूँ, वालों ने लाई मरा डाला मुंह, अब आज तुम अंजाकुम जिक्रुम में वब्बी कुम, क्या तुम्हें इस बात का ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ये पैगाम आ कैसे सकता है, ये ताज्जुब तुम्हें हो रहा है, वो रब जो बारिशें भेजता है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी खुशियों को पकाने के लिए, जो जाहिर होता है कि वो तुमसे गाफिल नहीं है, तुम्हें उस बारिश पर ताज्जुब नहीं होता, और वो तुम्हारी रूह की भी बारिश बरसाता है तो तुम्हें ताज्जुब होता है, क्या इस बात का ताज्जुब है कि तुम्हें से एक आदमी उठा और उसको खुदा ने मुखातब बना लिया आपने और तुमको नहीं बनाया, अला रसूल मिनकुम, इस पर तुम्हें ताज्जुब है कि तुम ही में से एक आदमी कैसे खुदा का कासिद बन गया, ये ताज्जुब की बात है, ये तो खुशी की बात थी, एक तुम्हारा ही दर्द आशना तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारी दरा दुख सुख बर्दाश्त करने वाला, सारे तजुर्बात तुम्हारी जबान जानने वाला, तुम्हारे समाज में रहने वाला, वो तुम्हारा रसूल है, वो समझता है तुम्हारे मसाइल को, तुम्हारे दुख दर्द को, तो बहुत अच्छी बात थी, तुम और इसकी ताज्जुब कर रहे हो, और आज तुम क्या इस बात है तुम्हें ताज्जुब हुआ, जुमला अधूरा छोड़ देते हैं, नूर इस्लाम ताज्जुब हुआ तुम्हें इस बात पर जागे क्या क्यों क्या तुम्हें जवाब से कुछ नहीं, जैसे आप दोस्त आदमी अधूरा जुमला छोड़ देता है ऐसे छोड़ देते हैं, तो क्या तुम्हें यह ताज्जुब हुआ कि एक आदमी तुम्हें से आ गया अल्लाह की तरफ तुम्हारी तुम्हें पैगाम देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डरा दे, तुम्हें आगाह कर दे, तुम्हें सीधे राह पर चला दे, ये तुम्हें ताज्जुब की बात है, फकत ज़बूह फाज़ीना, उन्होंने झुटला दिया तो हमने उसको बचा दिया, वह माँ हूँ उसके साथ जो लोग थे चंद उनको बचा दिया, वही लोग जिनकी नस्ल आज हम सब है,
चंद लोग, बाकी जो सूर्य सारी जमीन सारे लोग नजदीक भी हमारे नजदीक भी जिंदगी से, लेकिन हमारे सारे मिट गया जमीन पर, सबको खत्म कर दिया हमने, सिर्फ उस लोगों को बचाया जो उसके साथ थे। नदी में मैं बिल्कुल, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, में खुदा का यह कानून, जब आजमाइश आती है इब्तिला, तो वो तो नेक और बदतर के लिए आती है इब्तिला, लेकिन आजाद जब आता है तो खुदा मोमिनों को बचा लिया जाता है। आजमाइश क्यों आती है, तो आजमाइश क्योंकि तस्वीर के लिए आती है, अल्लाह अल्लाह से जोड़ने के लिए आती है, अल्लाह की याद दिलाने के लिए आती है। आजमाइश में तो काफिर और मुस्लिम सब आते हैं, सब आते हैं, जैसे अल्लाह को याद करने की सभी को जरूरत है, काफिर को भी और मुस्लिम को भी, लेकिन आजाद से आता है तो आजाद जैसे खुदा मोमिनों को बचा लिया करता है, और फिर उसमें तहदेव होते हैं, बर्बाद होते हैं, फिर वो जो खुदा की मंजिल है। दो अलग अलग चीजें, लोग गलती से आजमाइश को और आजाद को एक समझ लेते हैं, इब्तिला और आजमाइश अलग चीज है और आजाद एक अलग चीज है। आजाद से कौम का सत्यानाश कर देता है, तबाह कर देता है किसी खास कौम को, पर्टिकुलर कौम को तबाह कर देता है, और इब्तिला और आजमाइश में सब शरीक होते हैं। तो आजाद जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाया कि जब जुल्म बढ़ जाता है या तुग़यान होता है या किसी को बर्बादी होती है, तो मैं अपना आजाद नाज़िल किया करता हूँ उस कौम के ऊपर, तबाह कर देता हूँ, तबाह बर्बाद करता हूँ कि जड़ काट देता हूँ, खुदाना दाबिर उसकी जड़ में काट देता हूँ। अगर कोई कौम जुल्म करती है, तुग़यान करती है और सरकशी करती है, तो आप समझते हैं कि हमें आस पास की नजर डालनी चाहिए और हमें देखनी चाहिए कौन जालिम है और जिनकी जड़ कटने वाली है, कट रही है, आप जाहिर है जालिम जाहिर है, जड़ जिनकी कट रही है वो भी जाहिर है, कटनी जा रही है बहुत जल्द, वो सब जाहिर है, हर आंख के सामने जाहिर है, पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। उसको बता फरमाया कि हमने उनकी जड़ काट दी और हमने उनको फना कर दिया, उनको जिन्होंने हमारे आया सुनाया था वो अंधे हो गए थे, कमन अमीन कुछ सूझ नहीं रहा था उनको, आंखों में पर्दे पड़ गए उनके, हक और बादल कुछ सिझाई नहीं दिया उनको, अंधे ऐसे अंधे जब पट हो जाए, जिनकी आंखें पट हो जाए, उनका आजाब उनके ऊपर आजाब आते हैं खुदा के, वो बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। ये खुदा का कानून याद आया मकसद हो गया, उन्होंने अगला रुकू भी लेता आज के बारे में। लेकिन सारी किताबें वो हो गई, तहरीफ हो गई, इंसानी आवेदित हो गई, इसलिए हो गई है कि उनके बाद खुदा के पैगंबर आए, पैगंबर क्योंकि मौजूद थे बाद में आते रहे, और पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर जो गर्द पड़ती रही उसको साफ करता रहा। कुरान करीम के बाद क्योंकि उर्दू के बाद किसी पैगंबर को आना नहीं था, इसलिए कुरान करीम के लिए ये वादा किया अल्लाह ताला ने कि इसमें कोई इंसान की लयादील बात नहीं रही वाला मिसलती, इसमें कोई इंसान की आवेदित नहीं हो सकेगी। बाकी इसके अलावा जितनी खुदा की किताबें आई हैं, तौरात है, इंजील बाइबल जितनी भी है, ज़बूर है, सब में इंसानी आमेज हुई है, उससे कुछ हो गई है, वो कहीं कहीं बस चमकते हुए दो चार अल्लाह ताला के वो रह गए, अब बाकी सब इंसानों ने अपनी मर्जी से उसको मिला लिया। तो हम ये थोड़ी कहते हैं आज भी जो तौरात है, जो बाइबल है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो अल्लाह ताला की नाजिल फरमूदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी एक ज़खीम किताब में कोई एक फिक्र की हम तस्दीक कर दें तो पूरी किताब की तस्दीक हो जाती है, पूरी किताब की तस्दीक वो नहीं होती, एक फिक्रे की एक आप फिक्रे चंद फिक्रे तो हमारे नजदीक बात है, लेकिन उसमें इंसानों ने इतनी तहरीक कर दी है, इतना गदला कर दिया है, इतना उसमें मिला दिया है कि अब उसे हिदायत नहीं ली जा सकती है। अब सिर्फ कुरान करीम ही मुहैमिन है, यानी जितनी भी सच्चाइयां दीगर सारी किताबों में थी वो सारी मुहैमिन कहते हैं अभी में उसमें पैसा रखते हैं, यानी यानी कहते हैं मुहैमिन, कुरान करीम मुहैमिन है, यानी जितनी भी सदाकत थी सब कुरान करीम में अपने अंदर समझ थी, अब किसी किताब की जरूरत नहीं रही, जितनी सारी किताबें इंसानी तहरीर से गदालू हो चुकी है, इसलिए हम उसकी जस्टिफाई सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उनको सर्टिफाई कर रहे हैं। अब कुरान करीम में जो याद आएगा, कुरान करीम तस्दीक करता है किसी सारी किताबों की, मुसद्दिक़ लिमा बैने यदैह, इसके मतलब ये नहीं कुरान करीम उनको सर्टिफाई करता है, तस्दीक करता है कि मतलब ये नहीं कि ये सच्ची है ये कहता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ये सारी किताबें बता रही हैं, ये सारी किताबों में आज भी मौजूद हैं वो सारे फिकरात जो बताते हैं कि एक नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, आज ही तुम देख सकते हो वो सारी पहचानें, वो सारी अलामतें ये अपनी किताबों में। तो ये रसूल आखिर ज़मा जो पैदा हुए, ये कुरान जो नाज़िल हुआ, इसने तो तुम्हारी इन किताबों को सच्चा कर दिया, यानी अगर ये नाज़िल न होते तो झूठी हो जाती इनकी बातें, वो बातें जिन जिनने इशारा है हमारे रसूल के आने की तरफ या कुरान के नाज़िल होने की तरफ, अगर ना थे रसूल हमारे, ना थे ये कुरान करीम की बात, तो वो
बाद जिन्हें जो रह गए वो भी झूठे हो जाते, वो भी सच्चे न रहते। तो इनके आने से दुआ दो कि इनके आने से और रसूल करीम के आने से वो जुमले सच्चे साबित हो गए, लेकिन उनका मिजाज आ गया दुनिया में। सिर्फ ये मतलब, ये मतलब नहीं कि उस किताब को सर्टिफाई किया जा रहा है। कुरान बिगड़ा खुद मुझे तो कुरान करीम नाजिल इसलिए हुआ है ताकि साफ कर दे उन सारी गदलाहटों को जिससे पहले इंसानों ने किताबें की हैं, और इसके लिए वादा है कि इसमें कोई इंसान तहरीक नहीं बदलती, एक नुकसान एक प्रोफेसर नहीं बदलती। ये कुरान करीम दावा किया है और इस दावे को आप देख सकते हैं। अभी वेद चाहे हुआ है, अमृतसर से चाहे हुआ था अभी 20 बरस पहले, और आज का वेद देख लीजिए, मिला लीजिए दोनों एडिशन, मैंने खुद चेक करके देखे, 35 सफ़ा तो गायबी कर दी है उसमें। और फिर इसमें क्या है, जितने भी दलितों के बारे में हरिजनों के बारे में ऐसे जुमले हैं जिनसे मेरी दुख होता है सब काट दिए, के तहत उसके अंदर कैसी जलाई गई, ये पर्पल तो गुस्से में नहीं आए। जैसे कितनी तारीफ होती, एक फ्रांसिस मुसनफ है जिसमें सिर्फ दो नुस्खे उसने रखे अपने सामने, तो उसने उसने 350 फर्क चेक, 350 फर्क सिर्फ 10-15 साल के अंदर जी सभी उनके बनारस की जो छवि भी है वो बिल्कुल अलग है, उसमें सुखराम है इसमें सुखराम लिखा है, अब बड़ा फर्क पड़ जाता है बदकार और नेककार का। जो पटियाला छप रही है वो कुछ और है, जो अमृतसर छप रही है वो कुछ और है, जो बनारस छप रही है वो कुछ और है। आप खुद जाइए और लाइब्रेरी निकाल के देखिए, उससे लेकर के देखिए, और कुरान करीम की ये है कि कुरान करीम का ये नुस्खा उठाइए, और आप जाइए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खून के नब्बे जिस कुरान करीम के ऊपर है, वो जो ताजखंड में रखा है आज भी, उसकी कार्बन डेटिंग कराइए, आप देखिए चेक हो जाएगा 1400 बरस पुराना है, कागज की क्वालिटी चेक हो जाती है, चेक हो जाएगा 1400 बरस पुराना है, उससे आप चेक कर लीजिए। एक नुकसान एक चीज का फर्क दिखा सकते हैं आप, बिल्कुल साइंटिफिक उसके ऊपर कुरान करीम कार्बन डेटिंग करके चेक करके दिखा देगा कि हमारे यहाँ वाकई हमने दावा किया था, एक लफ्ज बदला नहीं है, और वो 30 साल के नुकसान लाने नहीं दिखा सकते। इस बात को अब इस दौर में इतनी तारीफ आदि कर रहे हैं, तो उस दौर में जब प्रेस का जमाना भी नहीं था और सब अपने पास छुपी रहती थी किताब, जो पंडित जी हैं उनके पास जो दिल में जहाँ मिला लिया, जो जहाँ दाखिल कर लिया अपने फायदे में, जो फायदे के उसमें निर्णय क्या हुआ होगा हम तो सच्चा नहीं कह सकते हैं। तो ये भी एक हकीकत है कि सबसे लास्ट सदाकत का एडिशन जो है सबसे करीब है कुरान करीम है। अब कोई इसके नजदीक 5 लाख बरस पुरानी कि 10 लाख बरस पुरानी, अब देखिए कि 60 बरस का एक साल मानते हैं, ये कलयुग कलयुग का 60 साल का एक साल मानते हैं, अब कितने साल हो गए मूल इस्लाम के मुताबिक 60 साल से ज्यादा 1300 कुछ चल रहा है इनका सर, तो 60 इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितने साल हो गए, 1 लाख के करीब साल हो गए, अब 1 लाख साल पुराने हैं कम से कम, कम से कम भी, और ये 1400 बरस पुराने, कितनी कितनी करीब है ये जो करीब है वो ज्यादा काबिल कबूल होगा कि वो जो ज्यादा साल से पता नहीं कहाँ 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 को जमाना भी नहीं था, किस चीज को जमाना प्रेस का भी नहीं था, जाने कितना घपला उसमें हुआ होगा। ये हमारा दावा है कि कुरान करीम सबसे ज्यादा ज्यादा तारीख की लाइट में पैदा हुआ है, आया है फुल लाइट में, हिदायत से ली जा सकती है और इसमें कोई जाहिर नहीं होती है, बहुत सारी गिराए मारो बड़े बड़े पंडित जी भी ये नहीं कर सकते कि तारीख शुदा नहीं मानते हैं। पतंजलि जो है पतंजलि पतंजलि इनको बहुत बड़ा गुरु है, 5000 के करीब तो वो इसको दिखाता है फर्क किताबों में, हर आदमी ने अपनी मर्जी से अलग अलग प्रांत और तस्वीरों की देखकर बारी छोड़ी है, जिसने जा लिख दिया जिसने जा लिख दिया, लेकिन असल मदन में टेक्स्ट के अंदर उनका इतनी तस्वीर है। कौम अरबी का अलग होता है और उर्दू का अलग होता है, आपके पास अल्फ़ुर्क़ान रखा है, चलिए आज मैंने ये पढ़ा था, ये घपला करते हैं उलमा इकराम, कौम अरबी का अलग है और उर्दू का अलग है, जैसे हकीम उर्दू में कहते हैं जैसे नुस्खा देखता है नुस्खा देखता है, और अरबी में कहते हैं फलासफर को, अरबी में तबीब कहते हैं हकीम को, नुस्खा अरबी में कहते हैं नुस्खा इसको जैसे पुराने गरीब का एक नुस्खा है ये, और यहाँ कहते हैं जो हकीम लिखता है उर्दू नुस्खा कहते हैं नुस्खा लिखी हकीम जी। अब अगर कोई अगर ये लग देख करके वो करने लगे कि हकीम साहब आए और उन्होंने नुस्खा लिखा अरबी का जाल हकीम वक़्त पर नुस्खा, तो आप परेशान हो जाएगा, फलसफी क्यों आया कोई किताब क्यों लिख मारी उसने, कोई सोचेगा तो वो अलग लग है ये अलग लग है। अब ये कौम जो है कौम अरबी का अलग है बिल्कुल उर्दू का अलग है, कुरान शरीफ में तो कौम निकालते हैं और उर्दू की कौम ये साबित कर देते हैं, कौम अरबी में सिर्फ कहते हैं अफराद के ग्रोह को जो किसी भी नाम में बन जाए, नजरियाती ग्रुप को नहीं कहते हैं कौम, नजरियाती ग्रुप को कौम नहीं कहते हैं, बल्कि बस नस्ल जैसे होती है खानदान सफर उसको कौम कहते हैं अरबी में, मिल्लत मिल्लत भी नहीं कहते, मिल्लत कहते हैं किसी भी माहदे ताउद में शरीक जो लोग होते हैं किसी एक खास उसको मिल्लत कहते हैं,
वैसे नेशनल जी तो वो मतलब वो अरबी का फॉर्म बोल रहे हैं ना, अल्लाह इकबाल ये कारण है जब कमी की बात चल रही थी हिंदुस्तान में, फॉर्म वतन से बनती है कि फॉर्म मदर से बनती है, तो हमारे कुछ हजरात जो थे वो ये कह रहे थे फॉर्म वतन से बनती है, मिलत फॉर्म वतन से बनती है, तो उसके बाद इकबाल ने कहा कि ये कौम जो उर्दू में चल रही है, ये नजरियाती कौम जो उर्दू में चल रही है, ये मजहब से बनती है, जमीन के टुकड़े से नहीं बनती है, जमीन के टुकड़े के ऊपर तो बैल बकरियां जमा होती है, एक जगह रह रही है, एक बाड़े में तो सब आपस में एक साथ मेहनत कर रही है, एक बाड़े में रही दूसरी एक साथ मेहनत करेंगे, या एक खेत में चल रही है तो आपस में बड़ी दोस्ती है, तो गुजा की बिना पर या जमीन के टुकड़े की बिना पर जानवरों में इत्तेहाद हुआ करता है, इंसानों में नजदीक की बुनियाद पर इत्तेहाद हुआ करता है, इंसान एक नजदीक के लिए फाइट करते हैं, ये भी आदमी उर्दू बोल रहा है ये कोई बात नहीं, ये भी हिंदी बोल रहा है जबान की बुनियाद पर कुछ इख्तलाफ नहीं है, अगर जबान में वो मुझे गाली बकरा है गाली बकरा तो कहां से इत्तेहाद हो जाएगा, हालांकि जबान एक ही है, नजरिया एक होना चाहिए, चाहे जबान अलग अलग हो तो इत्तेहाद हो जाएगा, और जबान एक है और नजरिया अलग है या वतन एक है नजरिया अलग अलग है तो कैसे हो जाएगा इत्तेहाद, नजरिया से इत्तेहाद हुआ करता है, हम ये कहते हैं इस्लामिक नजरिया है इसकी बुनियाद पर इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा, कुछ हजरात जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें एक इत्तेहाद पैदा करना था नजरियाती, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो एक कौम है, वो एक कौम बनेगी, वो इत्तेहाद बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का खास अगर जिस तरह से बांट गए ये अंग्रेज, ये हमारी नफरत और मोहब्बत को भी वह तकसीम कर गए, ये लाइन खेल गया पेंसिल से कि आप इधर इधर मोहब्बत आप करते रहना उधर उधर नफरत करते रहना, कल को खुदा खास कोई और एक आधार टेक हो गया और लाइन इधर और आगे खींच गई तो अब उधर से नफरत करते रहना इधर मोहब्बत करते रहना, एक हिमाकत की बात कौमियत हमेशा, और जहां तक मदन की बात है एक आदमी लोगों भी तय करते कहीं गुलमाई ग्राम से मेरी बात होती है, ये आदमी को तो अपने वतन से मोहब्बत होती है, उर्दू को भी अपने वतन से मोहब्बत थी, ये सहलंगारी के साथ बात करने की आदत है, वतन क्या मतलब आदमी पैदा होता है होता है पैदा तो आदमी या तो अस्पताल के सर पे होता है या चंद फीट के अंदर पैदा होता है, वो वहीं से मोहब्बत करते रहिए, उसको फैला के पूरा अस्पताल अस्पताल को फैला के पूरा कस्बा कस्बे को फैला के पूरा मुल्क कहाँ को बना दिया आपने, और जब इतना फैला रहे हो तो पूरी दुनिया ही बना लो तो क्या रहे थे उसके बल में क्या रहे थे वहां पर क्यों रुक गए उसके ऊपर, जहाँ का खाते हैं एक काम उसको बोले यहीं के बहुत बड़े मौलाना है वो, जहाँ का खाते हैं वही लगाते हैं, जिसका खाते हैं उसी थाली में खाते हैं उसे सेहत क्यों करें, जिसमें ताजु हुआ बहुत बड़े आलिम है बहुत बड़े दर्जा के फाजिल है, जिसके खाते नहीं अल्लाह ताला खाते हैं भाई, हमें आज तक यही मालूम था अल्लाह ताला खाते हैं उसे गाना चाहिए, अभी क्या मालूम था क्या, और जहाँ तक खाते हैं तो अब लीगा का पीएल 400 से गेहूँ खाया जाने कितनी दिन तक तो उसके गाए फिर उसे गाना चाहिए, इस्लाम जहाँ मिल्लत बनती है फिर इस्लाम के नाम पर बनती है, दिखा चाहिए इस्लाम के नाम पर बनती है, इसलिए एक बड़ी अजीब बात पुराने करीम ने कहा वलम तर्दान कल यहूदी वलम नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, मगर अरबी जानने वाले आपने कुछ लोग हों तो इस बात को महसूस करेंगे, अरे मुसलमानों तुमसे यहूद और नसारा और कोई भी मुश्रिकीन कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत का इत्तेबा न करो, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम तो उनकी मिल्लत, अभी तो कई है ना यहूदी अलग है नसारा अलग है मुश्रिकीन अलग है, तो अल्लाह ताला को मिल्लत कहना चाहिए था, मिल्लतहुम क्यों कहना चाह रहा है, एक लफ्ज यानी सिंगल क्यों बोला अल्लाह ताला, प्लूरल बोलना चाहिए, जब तक तुम उनकी मिल्लतों का इत्तेबा ना करो, मिल्लतहुम एक हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम एक बोल रहा अल्लाह ताला, कि इस्लाम के नजदीक दुनिया में गैर इस्लाम जितना भी है वो सब एक ही नजरिया है, एक ही मिल्लत और इस्लाम एक मिल्लत, एक नजरिया हुआ जो इस्लाम है, और इस्लाम के अलावा जो भी है चाहे वो देखने में कोई यहूदी का नाम कोई ईसाई का कोई भी है, इस्लाम सब एक ही नजरिया है, यानी खुदा से खुदा की हिदायत से नहीं बाप, इसलिए अल्लाह ताला ने वाहिद कहा, اللهم صل على محمد وعلى آله